देखिए, धातु रोग के तीन चार बड़े कारण होते हैं। धातु रोग का एक बड़ा कारण होता है पेट खराब रहता है, कब्ज रहती है। तो इसलिए मैंने कहा कि धातु रोग है तो पहले आप पेट का इलाज करना पड़ेगा। त्रिफला चूर्ण रात को लीजिए या आंवला चूर्ण लीजिए, और किसी को तो त्रिफला भी गर्म पड़ता है तो फिर केवल आंवला चूर्ण लीजिए। आंवला एलोवेरा खाने के, रात के खाने के एक घंटे बाद 4-5 चम्मच आंवला, 4-5 चम्मच एलोवेरा, ये दोनों जूस हैं आपके सामने रखे हुए, ये आंवला एलोवेरा जूस जो है ये दोनों आप 4-5 चम्मच आंवला, 4-5 चम्मच एलोवेरा, ये धातु रोगों को भी दूर करता है, पेट की गर्मी को भी दूर करता है और पेट की सारी पाचन तंत्र की जितनी भी समस्याएं उन सबको दूर करता है। तो ये रात को ले लेना। त्रिफला चूर्ण ट्राई कीजिए या फिर ये आंवला एलोवेरा ट्राई कर लीजिए, सुबह शाम दोनों टाइम ले सकते हैं। फिर अगली बात, यदि पित्त बहुत बड़ा हुआ है तो शीशम के पत्ते लीजिए, क्योंकि किसी को तो चंद्र प्रभा वटी से भी धातु रोग नहीं ठीक होता, क्योंकि जिनकी कफ प्रकृति है या वात प्रकृति है उनको चंद्र प्रभा वटी से लाभ हो जाएगा, बाकी नहीं तो धातु रोग में फायदा नहीं होगा चंद्र प्रभा वटी से। यदि आपकी पित्त प्रकृति है तो, और आपका पेट पहले से गड़बड़ है तो चंद्र प्रभा वटी से आपका पेट और थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, डिस्टर्ब हो सकता है, और उससे हो सकता है आपको ज़्यादा धातु बहने लगे, इसलिए चंद्र प्रभा वटी आप मत लीजिए। पेट को ठीक करने के लिए जो उपाय बताया उसको कीजिए, और जो मैंने खान पान का भी थोड़ी देर पहले बताया था उसका ध्यान रखिए, और हमेशा अपने बड़े महापुरुषों का चिंतन कीजिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, मन में अपना कोई भी वासना का विचार मत आने दीजिए, और ठंडे पानी से स्नान कीजिए, और ठंडे पानी की पट्टी बना करके ऐसे पेट के ऊपर लगा लीजिए, उसके ऊपर सूखा कपड़ा बांध लीजिए, सुबह सुबह खाली पेट ये काम कर सकते हैं आप। फिर अगली बात, शीशम के पत्ते बहुत अच्छे हैं धातु रोग के लिए। शतावर चूर्ण आप अकेला शतावर चूर्ण लीजिए 2-2 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ, और रामबाण औषधि है कपाल भाती और बाह्य प्राणायाम। कपाल भाती करने से पूरा जो मसाना है माने रिप्रोडक्टिव एक्सक्रट डाइजेस्टिव तीनों सिस्टम, माने आपका जो प्रजनन तंत्र है, मूत्र संस्थान और पाचन तंत्र, तीनों ठीक हो जाएंगे। कपाल भाती और बाह्य प्राणायाम जो श्वास बाहर छोड़ के बाहर रोका जाता है, तीन बंद के साथ करते हैं, और आसनों में शीर्षासन या सर्वांगासन, और एक ब्रह्मचर्य आसन होता है वज्रासन में पैर बाहर निकाल करके बैठ जाओ, इतना कर लेंगे और ये पॉइंट साथ में दबा लेंगे। मैंने इसलिए विस्तार से बताया, बहुत लोगों की समस्या है, लेडीज को या जेंट्स को ये धातु रोग, लेडीज को लिकोरिया आदि की समस्या, उसका ये पूर्ण समाधान है जो मैंने आपको अभी बताया है। ये मैंने पित्त की प्रकृति के वालों के लिए बताया, कफ की प्रकृति है तो उसमें चंद्र प्रभावटी, या वात की प्रकृति है तो चंद्र प्रभावटी और शिलाजीत ये सब भी लाभ करते हैं।